Hello students, today we are going to discuss singly linked list in data structure and especially the pointer representation. Singly linked list, first we need to understand ki singly linked list hoti kya hai. A linked list is a linear data structure jahan pe each element is a separate object, okay? And लिंक लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं दोज आर नॉट स्टोर्ड इन कंटिग्यूस लोकेशन लाइक एरे. टू रिमेंबर दिस, एलिमेंट्स जो हैं वो लिंक होते हैं थ्रू पॉइंटर्स. ओके, ईच एलिमेंट इज स्टोर्ड इन अ नोड. ओके, एंड दैट नोड इज मेड अप ऑफ टू आइटम्स. दो आइटम से आपकी नोड बनी है, एक डेटा और दूसरा नेक्स्ट. फाइन, अगर हम लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन की बात करें, नोड की रिप्रेजेंटेशन की, यू कैन सी दिस दैट आप यहां देख सकते हैं ये जो डायग्राम दिख रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स द नोड. ओके, इस नोड में दो पार्ट्स हैं, दिस वन इज द डेटा पार्ट एंड दिस वन इज द नेक्स्ट पार्ट और पॉइंटर पार्ट. ओके, and this is an example of linked list. This is the diagram of linked list which is given below. Isme aap dekh sakte hain, this is single node and the whole linked list is actually made up of these all nodes, four nodes in this diagram. Okay, aap dekh sakte hain yahan pe pehli node ko point karne ke liye ek pointer hai hamare paas, head pointer, जो आपकी फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, और एक टेल पॉइंटर है जो आपकी लास्ट नोड को पॉइंट करेगा. ओके, और ये भी पॉइंटर्स ही हैं. ओके, जो पॉइंटर्स हमें लेने हैं दी शुड बी ऑफ नोड टाइप. ओके, द लास्ट पॉइंटर, डू रिमेम्बर, अगर लिंक लिस्ट की कोई लास्ट नोड है आपकी, वो जो लास्ट पॉइंटर होगा दैट पॉइंटर शुड कंटेन नल वैल्यू, बिकॉज उसके बाद हमारे पास कोई नोड नहीं. ओके, फाइन, सो ये हमारा लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर है. सो जो आपकी नोड्स हैं वो कनेक्टेड होंगी अगली नोड से, जितनी भी मर्जी चाहे आप नोड्स इसमें ऐड कर सकते हैं. फाइन, ओके, दिस इज लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन. आगे चले तो अगर आपकी लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में आपकी जो लिंक लिस्ट है, अगर हम लिंक लिस्ट की बात करें, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट. पर हम बात कर रहे हैं सिंगली लिंक लिस्ट की. ओके, सिंगली लिंक लिस्ट एक्चुअली वन वे, ओनली वन डायरेक्शन में ही हम मूव कर सकते हैं सिंगली लिंक लिस्ट में, दूसरी डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकते. दैट मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हैं. That's why we call it single linked list or singly linked list. Doubly linked list में हम दोनों direction में move कर सकते हैं, forward भी और backward भी. और circular में आपका basically circle form होता है जिसमें last node आपकी first node से connected होती है. This is the difference between all three. But we are going to discuss singly linked list in this video. And you can see जो मैंने ये structure भी आपसे discuss किया है, ये हमारा सिंगली लिंक लिस्ट का ही है. ओके, लाइक दिस एग्जांपल देख लेते हैं सिंगली लिंक लिस्ट का. एक यू कैन सी दैट दिस नोड इज एक्चुअली हैविंग वैल्यू 54, फर्स्ट नोड, एंड इसका जो पॉइंट पार्ट है, एड्रेस पार्ट है, उसमें है हमारी वैल्यू 5000. सो दिस इज एन एड्रेस. ओके, एड्रेस ऑफ विच नोड, नेक्स्ट नोड. द नेक्स्ट नोड का एड्रेस है हमारा 5000. इस ये जो फर्स्ट नोड थी 4000, इसका एड्रेस कहाँ है? हेड में. ओके, हेड पॉइंटर में. एंड इसके आगे वाली नोड का एड्रेस ऑब्वियसली पहली नोड में है, तो 5000 को जब हम ट्रैक करेंगे, ट्रेस करेंगे, तो ये यहाँ हम यहाँ पहुँचेंगे. ओके, हम लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करते हुए पहले फर्स्ट नोड पे आएंगे, इसको ट्रेवर्स करके फिर जब हम एड्रेस पार्ट पे पहुंचेंगे, वी कैन मूव टू अनदर नोड जो हमारी सेकंड नोड है, जिसमें डेटा पार्ट है 30 एंड इसका जो एड्रेस पार्ट है वो है 6000. 6000 विल डेफिनेटली बी द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, जो हमारी नेक्स्ट नोड है जो कनेक्टेड है सेकंड नोड से, जिसमें डेटा पार्ट है आपका 40 एंड जो एड्रेस पार्ट है वो 7000.
से 7000 जो है हमारी नेक्स्ट नोट का एड्रेस है, उस नोट को रीच करके जब हम डेटा पार्ट को एक्सेस करेंगे वो है वैल्यू 15, एंड उसके एड्रेस पार्ट में यू कैन सी देयर इज नल वैल्यू, आप देख सकते हैं नल वैल्यू है, तो नल वैल्यू हमारी है यहाँ पे, और इस पर्टिकुलर नोट को पॉइंट कर रहा है ये टेल पॉइंटर जिसमें वैल्यू है हमारी 7000. That means address of this last node. So tail may address last node ka hoga and head may address aapki first node ka hoga. This tail node is definitely not compulsory. Sorry, this tail pointer is definitely not compulsory because jo tail pointer hai, bahut sare writers likhte hain sirf head pointer ke saath. Head node, tail node dono exist karti hain, but कुछ राइटर्स आपकी जो लिंक लिस्ट को है कुछ बुक्स में या फिर कुछ आपको मैटर में ऐसे लगेगा कि सिर्फ लिंक लिस्ट में हेड पॉइंटर होता है. सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप टेल पॉइंटर भी रखें, बट इजियर टू हैंडल के लिए आपको टेल पॉइंटर रखना चाहिए. इट विल बी मोर इजियर टू हैंडल लिंक लिस्ट विद टेल पॉइंटर. सो आई विल कंसिडर लिंक लिस्ट विद टेल पॉइंटर. Let's see the program of लिंक लिस्ट. प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा. ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम टाइप डिफाइन से डिफाइन करेंगे ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बेसिक डेटा टाइप की तरह वर्क करे. स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ हम एक नोड स्ट्रक्चर बनाएंगे. फाइन, एंड नोड स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें दो पार्ट्स रखेंगे. यू कैन सी हियर, इसमें दो पार्ट्स लगेंगे. एक डेटा पार्ट जो इंटीजर टाइप का है, और दूसरा ये नेक्स्ट पार्ट जो कि एक पॉइंटर टाइप है. पॉइंटर टाइप किस टाइप का, इंटीजर पॉइंटर नहीं है, कैरेक्टर पॉइंटर नहीं है, फ्लोट पॉइंटर नहीं है. कौन से पॉइंटर का टाइप हमें चाहिए यहाँ पे, इफ़ यू नो तो अच्छी बात है, बट आई वॉन्ट टू टेल यू अगर आपको नहीं पता कि इंटीजर वैल्यू को के एड्रेस को स्टोर करने के लिए इंटीजर पॉइंटर की रिक्वायरमेंट होती है, फ्लोट वैल्यू के एड्रेस को स्टोर करने के लिए फ्लोट पॉइंटर की रिक्वायरमेंट होती है, एंड कैरेक्टर वैल्यू को एड्रेस को स्टोर करने के लिए कैरेक्टर पॉइंटर की रिक्वायरमेंट होती है. बिकॉज आप कैरेक्टर वैल्यू के एड्रेस को इंटीजर पॉइंटर में नहीं स्टोर कर सकते. सो वी नीड अ पॉइंटर ऑफ स्ट्रक्ट नोड टाइप हियर. हमें स्ट्रक्ट नोड टाइप का ही पॉइंटर यहाँ बनाना पड़ेगा. फाइन, एंड उसका हम टाइप डिफाइन कर रहे हैं, टाइप को नेम दे रहे हैं नोड वन. सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप यूज करेंगे स्ट्रक्चर को, यू नीड नॉट टू राइट स्ट्रक्ट नोड एवरी टाइम. आपको सिर्फ नोड वन लिखने से सफिशिएंट हो जाएगा, एंड इट विल वर्क लाइक इनबिल्ट डेटा टाइप. ओके, उसके अलावा जब ये नोड का स्ट्रक्चर हमारा, ये तो है हमारा नोड का स्ट्रक्चर. ओके, दिस कंप्लीट कोड इज ऑफ नोड का स्ट्रक्चर. एंड इसके बाद हमें दो पॉइंटर्स क्रिएट करने हैं. एक नोड वन टाइप का आपका हेड पॉइंटर जिसमें आप नल वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे डेफिनेटली पहले, बिकॉज स्टार्टिंग में आपकी हेड नोड में सॉरी हेड पॉइंटर में कुछ नहीं होगा. ओके, तो एक हेड पॉइंटर हमें बनाना है, और एक हमें टेल पॉइंटर बनाना है जिसमें भी डेफिनेटली नल वैल्यू होगी बिकॉज अभी हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, और उसके बाद हम नोड्स इंसर्ट करेंगे. Okay, then after that we will declare two functions जो जिनमें एक है हमारा create function जिसमें हम notes create करके add करेंगे या linked list को create करेंगे, और दूसरा हमारा print function जिसमें हम printing करेंगे traversing करके. Okay, so ये हमने दो functions को लिया है, इनको declare किया है यहाँ पे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आगे मेन फंक्शंस देखते हैं कि मेन फंक्शन में हम क्या करने वाले हैं. ओके, ये तो हमारा बेसिक पार्ट. तो मेन फंक्शन में हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम सबसे पहले एक चॉइस वेरिएबल लेंगे. ओके, चॉइस वेरिएबल बिकॉज हमें क्या करना है, हमें एक मेन्यू क्रिएट करना है. ये मैन्यू ड्रिवन प्रोग्राम की तरह वर्क करेगा बिकॉज किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पे अगर आप वर्क कर रहे हैं, इट्स गुड टू क्रिएट मैन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बिकॉज आपके उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो आपको एक्चुअली रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं वहाँ पर. राइट, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें जो है यहाँ पे एक मैन्यू बनाना है, और ये मैंने इनफाइनाइट लूप लगाया है यहाँ पे वाइल वन, जिससे आपका ये लूप तभी ब्रेक होगा जब आप इससे एग्जिट करना चाहेंगे यूजिंग एग्जिट फंक्शन. ये ओके,
फाइन. तो प्रिंट एफ फंक्शन यूज किया है हमने यहाँ पे क्रिएट फंक्शन. क्रिएट फंक्शन के लिए दैट मीन्स हम फर्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं क्रिएट, देन सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास प्रिंट, एंड थर्ड ऑप्शन है हमारे पास एक्सेप्ट. इनमें से यूजर से चॉइस एंटर करवाएंगे स्कैन एफ स्टेटमेंट का यूज करके. परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर का और कैरेक्टर वेरिएबल में हमने क्या किया चॉइस वेरिएबल में हमने क्या किया एड्रेस ऑफ चॉइस वेरिएबल यहाँ पास करके चॉइस एंटर करवा दी. देन स्विच केस इम्प्लीमेंट करेंगे हम यहाँ पर. ओके, स्विच केस इम्प्लीमेंट करने में आप देख रहे हैं केस वन में हमने क्रिएट फंक्शन को कॉल किया है जो हम क्रिएट फंक्शन आगे बनाएंगे. देन ब्रेक स्टेटमेंट, उसके बाद केस टू में हमने प्रिंट फंक्शन को कॉल किया है. ओके, और डिफॉल्ट केस में हमें क्या करना है, हमने रॉन्ग चॉइस दे दिया है बिकॉज हमें वन टू या थ्री में से ही चॉइसेस चाहिए. अगर आप कोई और चॉइस देता है यूजर तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी. ओके फाइन, तो ये है हमारा मेन फंक्शन. तो इस मेन फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ स्विच हमारा क्लोज हो रहा है, यहाँ पे हमारा वाइल लूप और यहाँ हमारा मेन फंक्शन. फाइन, इसके बाद क्रिएट फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास है. क्रिएट फंक्शन में बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, एक टेम्प्रेरी पॉइंटर लेंगे. दिस इज द टेम्प्रेरी पॉइंटर. ओके, एक टेम्प्रेरी पॉइंटर लेंगे और उस टेम्प्रेरी पॉइंटर से हम क्या करेंगे, टेम्प्रेरी पॉइंटर में हम बेसिकली एक डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करेंगे यूजिंग मैलोक फंक्शन और कैलोक फंक्शन. आपकी चॉइस है आपको किसको यूज करना, बट मैलोक इज फास्टर देन कैलोक, तो मैलोक यूज किया है यहाँ पे. ठीक है, दिस इज टाइप कास्टिंग. ओके, हमने इसे नोड वन टाइप के पॉइंटर में कास्ट किया है जो भी हमें मिलेगा. ठीक है, जो भी एड्रेस हमें मिलेगा बेसिकली उस मेमोरी का एड्रेस मिलेगा जो मेमोरी हमने एलोकेट किया है. एंड यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज हुआ है विथ नोड वन, मीन्स हमें किस साइज का आपका मेमोरी एलोकेट करनी है, नोड वन साइज की, क्योंकि हमें एक नोड बनानी है. इफ यू रिमेम्बर मैंने अभी आपको पास्ट स्लाइड में दिखाया था कि आपकी नोड जो है दो पार्ट्स कंटेन करेगी, जिसे हमने कोडिंग में भी कन्वर्ट किया, दैट डेटा पार्ट एंड द नेक्स्ट पार्ट. ओके, तो हमें साइज क्रिएट करना है उस डेटा और नेक्स्ट पार्ट को कंसिडर करते हुए नोड वन टाइप का मैलोक फंक्शन का यूज करते हुए उसे उसकी टाइप कास्टिंग करेंगे नोड वन टाइप के पॉइंटर में. और लेफ्ट हैंड साइड पे होगा हमारा वो टेम्प्रेरी पॉइंटर जिसमें हम वो एड्रेस स्टोर करने वाले हैं. बेसिकली उस पॉइंटर में हमारी मेमोरी एलोकेट होगी इस साइज की जो हमने गिवन, जो हमने दिया है. ओके, फिर हम डेटा एंटर करवाएंगे यूजर से कि उस पर्टिकुलर नोड में जो डेटा पार्ट है उसमें आप क्या डेटा रखना चाहते हो. ठीक है, और उसके लिए हम पास करेंगे किसी भी पॉइंटर के थ्रू उस लोकेशन को एक्सेस करने के लिए हम एरो ऑपरेटर यूज करते हैं. यहाँ एरो ऑपरेटर यूज किया है, यू कैन सी. तो टैम्प का जो टैम्प नोड है हमारी, उसके डेटा पार्ट को हम एक्सेस कर रहे हैं जो टेम्प्रेरी नोड हमने बनाई है, ताकि उसमें हम वो पर्टिकुलर डेटा इंसर्ट कर सकें जो यूजर डालने वाला है. फ्रॉम दिस फॉर्मेट स्पेसिफाई एंड डी टाइप का हम डेटा एंटर कर रहे हैं. देन अभी क्या करना है हमें कि अगर आपका, हमें चेक करना है कंडीशन, अगर आपका हेड नल है, देयर कुड बी थिंग्स कि आपका हेड में ऑलरेडी एक नोड हो. अगर लिंक्ड लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है तो उस सिचुएशन को भी हमें हैंडल करना, और लिंक्ड लिस्ट अभी हमने स्टार्ट की है बिल्कुल नहीं, उस सिचुएशन को भी हैंडल करना. तो लिंक्ड लिस्ट अगर बनी है तो हेड में नल होगा, सॉरी हेड में नल नहीं होगा, और अगर लिंक्ड लिस्ट नहीं बनी है तो हेड में नल होगा. तो अगर हेड में नल है तो दैट मीन्स आप फर्स्ट नोट इंसर्ट कर रहे हो. तो फर्स्ट नोट को इंसर्ट करने के लिए हेड में हम टैम्प को डाल देंगे, दैट मीन्स हेड आपकी जो है वो फर्स्ट नोट है. राइट, फाइन, फर्स्ट नोड है जो हम नोड इंसर्ट कर रहे हैं. देन टेल जो है आपकी, क्योंकि आप एक ही नोड इंसर्ट कर रहे हो तो हेड भी वही होगा, टेल भी वही होगा, तो टैम्प को हम टेल में भी एलोकेट कर देंगे. ओके, तो अब जो एक नोड बन गई, जो बेसिकली हमने ये नोड बनाई है, यू कैन सी इसके डेटा पार्ट में सपोज यूजर ने 5 डाल दिया. ओके,
sorry. सपोज इसके डेटा पार्ट में यूजर ने इफ आई एम सेइंग वन डाल दिया सपोज ओके वन डाल दिया तो इस यही नोट जो है वो हेड से कनेक्टेड होगी और यही नोट टेल से कनेक्टेड होगी सपोज दिस इज हेड ओके एंड दिस इज टेल तो हेड से कनेक्ट होगी आपकी यही नोट और टेल से भी कनेक्ट होगी आपकी यही नोट तो अगर इस नोट का एड्रेस सपोज 200 है ओके तो 200 एड्रेस जो है हमारा यहाँ पे भी आएगा हेड में भी और 200 एड्रेस हमारा टेल में भी आएगा ओके तो ये हमारी लिंक्ड लिस्ट बन जाएगी बट इफ इट इज द फर्स्ट नोड तो आपकी इसके पॉइंटर पार्ट में नल वाली होनी चाहिए क्योंकि इसके बाद अगर सॉरी इट इफ इट इज द फर्स्ट एंड लास्ट नोड दैट मींस फर्स्ट नोड आप इंसर्ट कर रहे हो लिंक्ड लिस्ट में ठीक है तो इसकी पॉइंटर पार्ट में हमारी नल वैल्यू ट्रांसफर करेंगे क्योंकि आगे जो है कोई भी और नोड नहीं है तो इसके लिए हमने किया है यहाँ पे यू कैन सी कि यहाँ पे हमने किया है टेल के नेक्स्ट पार्ट में हमने नल ट्रांसफर किया है ओके दिस इज अ इफ केस जब आपके हेड में नल था आपकी कोई नोड एडेड नहीं थी बट इफ नोड इज ऑलरेडी बीन एडेड टू लिंक लिस्ट उसके बाद आपको ऐड करनी है इट विल बी एडेड एट द टेल पोजिशन तो टेल पोजिशन पे ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे टेल के नेक्स्ट पार्ट में टैम डाल देंगे ओके ये टेल है हमारी अभी सपोज तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम टेम्परेरी नोड जो हमने क्रिएट किए है उसका एड्रेस डाल देंगे दैट मीन्स इससे कनेक्ट हो जाएगी वो नोड यहाँ पे ऐसे ठीक है और यहाँ पे जो भी आप डेटा आपका इंसर्ट हुआ होगा सपोज टू इंसर्ट हुआ है तो टू आ जाएगा यहाँ पे और फिर हमारी जो नल एड्रेस है वो यहाँ पे आ जाएगा नल वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ से हमें रिमूव कर देनी है क्योंकि जो यहाँ आएगा वो एड्रेस आएगा इस पर्टिकुलर नोड का जो है हमारी अभी नोड जो हमारी क्रिएट हुई है विच इज सपोज 100 The address of this node is suppose 100, तो 100 हमारा आ जाएगा यहाँ पर okay? तो ये हमारी लिंक्ड लिस्ट बन जाएगी एंड टेल का जो आपका है वो कन्वर्ट वो एक्चुअली पहली टेल से आपका जो है वो कनेक्शन रिमूव करके हम कहाँ बना देंगे इस टेल से हमारा कनेक्शन बन जाएगा ठीक फाइन यही हमने किया है यहाँ पे टेल के नेक्स्ट में टैम डाला है दैट मींस जो ये पहले वाली टेल थी उसके नेक्स्ट में हमने टेम्परेरी नोड का एड्रेस डाल दिया दैट इज 100 फिर टेल में टैम डाला है इस टेल में दैट मींस इस टेल को भी अपडेट करना पड़ेगा हमें तो इस टेल को अपडेट करने के लिए हमने क्या करना है इसमें 200 वैल्यू नहीं आएगी टू रिमेम्बर इसमें अब वैल्यू आएगी 100 क्योंकि हमें टेल को अपडेट करना है अब हमारी टेल हो गई है ये वाली जो अभी लास्ट नोड इंसर्ट हुई है तो टेल को अपडेट करना है टेल में टैम डाल देंगे और उसके बाद टेल के नेक्स्ट में नल ट्रांसफर कर देंगे ओके तो यही हमने किया तो स्टेप्स जो है वो इसी ऑर्डर में होने चाहिए अदरवाइज जो है आपकी नोट जो है वो लॉस हो जाएगी वो नहीं करना है हमने एंड फाइनली वी प्रिंटेड दैट नोड इज इंसर्टेड ओके नोड इंसर्ट हो गई है जब आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो नोट इंसर्ट हो जाएगी यू कैन प्रिंट दैट नोट इज इंसर्ट फाइन दैट्स इट दिस इज क्रिएट फंक्शन क्रिएट फंक्शन के बाद हमारा जो दूसरा फंक्शन हमें डिस्कस करना है दैट इज प्रिंट फंक्शन और ये जो प्रिंट फंक्शन है बेसिकली ट्रेवर्सिंग करेगा लिंक लिस्ट की और ट्रेवर्सिंग करके ईच एंड एवरी वैल्यू विल बी प्रिंटेड ओके जैसे आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे एक पॉइंटर लिया है नोड वन का पीटीआर नेम से
नोड वन टाइप का. ऑब्वियसली ट्रेवर्स करने के लिए भी हम वही पॉइंटर हमें रिक्वायर होगा. फाइन, तो पीटीआर में हमने क्या डाल दिया, हेड को डाल दिया. तो जो पॉइंटर है उसमें हेड पॉइंटर की वैल्यू आ गई, दैट मीन्स फर्स्ट नोड का एड्रेस. और हमें क्या करना है, बेसिकली पीटीआर को हर बार अपडेट करना है पीटीआर के नेक्स्ट से. दैट मीन्स जो जिस भी नोड का एड्रेस है उसके नेक्स्ट पार्ट में जो एड्रेस होगा उससे हम अपडेट करते जाएंगे. एंड हमें कंडीशन क्या चेक करनी है इस लूप में, पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल. जहां पीटीआर नल आ जाएगा हमें स्टॉप करना है, उससे पहले तक हम ये टास्क करते रहेंगे. ओके, उससे पहले तक हम डेटा को प्रिंट करते रहेंगे. डेटा को प्रिंट करने के लिए पीटीआर के डेटा को एक्सेस करना पड़ेगा. पीटीआर एक पॉइंटर है, तो एरो ऑपरेटर का यूज करेंगे हम डेटा को एक्सेस करने के लिए. ठीक है, तो प्रिंट करते जाए, एक्सेस करेंगे और प्रिंट करते जाएंगे. एवरी टाइम पीटीआर विल बी अपडेटेड, फिर से चेकिंग होगी और फिर से डेटा प्रिंट होगा. ओके, एंड एट एंड जब आपकी नोड में उसे नल वैल्यू मिल जाएगी, लास्ट नोड के नेक्स्ट पे आप आ जाओगे, देन इट विल स्टॉप. ये आपकी प्रिंटिंग हो जाएगी लिंक्ड लिस्ट की. ओके, थैंक यू.